Hey guys, today is the 5th of February and I'm going to a temple in Germany. Its name is Kamakshi Ambal Temple in Ham. And so I'm going to this temple and I hope it's a good journey. It'll be amazing, I guess, because it's the first time I'm going to a temple. I read online in some places that this is the largest temple, Hindu temple in Germany. So let's go and check it out. Sorry. Right now it's around 2:45 and I'm starting from my home. And I'll just go and check where it is. On the way, I'll take my mobile. Let's see. The time right now is, Yeah, you can see it's 2:41. We'll start from here. Chalo. So I started walking towards the bus stop. For a change, I am on time. Otherwise, usually I make sure that I'm just on time for the bus. I'm just on time. I'll reach the temple only at 6, but now it's 3. So 3 hours is going to be journey, but then for a change I thought, let me go early and have this as a journey rather than being, running everywhere. Because for all the previous vlogs that I made, there's no intro like this because I was just running towards the bus stop. I'll show you my path towards the bus stop now. I feel it's better that I'm there earlier because I'll be able to be there for 2 hours. Because when you're going to a temple, you just don't want to be there for an hour or so, because I'll be even leaving the temple at around 6:45. So yeah. तीसरे प्लेटफॉर्म में हूँ मैं। ये शायद लिखा है कौन कौन से ट्रेन
यहाँ पे है करके। तो RE7 जो है वो मुझे पकड़ना है, वो 15:34 को है, और वही देखते हैं अभी क्या पकड़ेंगे हम। शायद RE7 ही हमें पकड़ना है, देखते हैं। हाँ, RE7 जो रूर की तरफ जा रहा है वो पकड़ेंगे तो 15:57 को हमें हैम आ जाएगा। राइट, चलो हम सही जा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म 3 है इनका, यहाँ इनके थोड़े यहाँ इनके थोड़े वेंडिंग मशीन टाइप कुछ हैं। ये हमारी ट्रेन तो नहीं है, कोई और ट्रेन है, पर ऐसे मेरे को वीडियो लेने का मन किया क्योंकि बड़ी प्यारी है ट्रेन। और ये है हमारी ट्रेन जो अभी आ चुकी है, पर पता नहीं इसमें कुछ तो लिखा है अभी अंदर नहीं जा सकते करके, तो हम वेट कर रहे हैं, पता नहीं अंदर कब जाएंगे करके। एक और बस पकड़ना है जो जाएगा वो मंदिर के थोड़े पास तक, फिर उधर से मुझे पैदल जाना पड़ेगा। तो काफ़ी चलना भी है, बट हम पहुंच गए हैं। हमें उतर के बस स्टॉप जाना है, बट आप लोग यहाँ का बानहॉफ जरा देखिए, ये इन लोगों का बानहॉफ कितना प्यारा है, बहुत बढ़िया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्यारा इनका बानहॉफ है। इट लुक्स रियली ओल्ड एंड वेरी ब्यूटीफुल। शायद सही जगह जा रहा हूँ मैं, ये दिखा रहा है ऐसे, तो मैं बस वही फॉलो करके जा रहा हूँ। उसने बोला है बस नंबर 5, पर बस नंबर 5 अच्छा और उधर जाना है, तो मुझे पता नहीं है बस नंबर 5 आएगा कहाँ से। तो मैं चेक तो कर रहा हूँ पर इधर दिखा नहीं रहा है बस नंबर 5 का, और यहाँ भी ठीक से लिखा नहीं है कि कौन से बस इससे मिलेगा करके। मैं मैप्स में एक और बार जाके देखता हूँ और लिखता हूँ कि कामाक्षी अम्बाल टेम्पल। इधर कहीं बस नंबर 5 के बारे में मेंशन है नहीं बोर्ड पे, पता नहीं। ये बड़ा टेंशन होता है जब नए जगह पर हो, बल्कि जब तुम इधर आके देखोगे वहाँ पर बस नंबर 5 करके लिखा है का, वहाँ कुछ तो लिखा था कि वो बस वहाँ नहीं आएगा वो स्टॉप पे। तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्टॉप ऑफ द बस, जो मैं 3 मिनट में पहुँच जाऊँगा। सो द बस विल बी देयर इन 3 मिनट्स। तो बस भाग रहा हूँ दूसरी स्टॉप की तरफ, हो जाए कि बस रुके वहाँ। ये बस में मैं अकेले हूँ और कोई नहीं है ये बस में, पीछे भी देखें खाली है बस पूरा। ये जगह कोई जाता नहीं है यूजुअली। बस पकड़ने वाली कहानी मैं आपको उतर के बताता हूँ, बहुत मज़ेदार थे। तो ये स्टॉप आ चुका है, इसका नाम है ग्रेविंग हॉफस्ट्रासा। चलो तो ये थी हमारी बस। बस की कहानी आपको बताता हूँ, जब एक बार मैप में रास्ता देख लेता हूँ कैसे जाना है, फिर आपको मैं बस की कहानी बताता हूँ। तो अभी हम उतर गए ग्रेविंग ऑफ स्ट्रासा पे, और इधर से हम चल के जा रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर है मंदिर की दूरी,
मुझे दिख तो नहीं रहा यहाँ से कहीं, आपको दिखाता हूँ नज़ारा कैसे है यहाँ पे। खाली ऐसा है, तो लिटरली मेरे को बस ने जहाँ ड्रॉप किया वो जगह ऐसे दिखता है। आप लोगों को लगेगा सॉरी ठंड है, हाँ तो आप लोगों को लगेगा कहाँ रोक दिया है आप लोगों को, मतलब आपको लगेगा कि कोई तो एक अनजान रास्ते में रोका है। यहाँ तो खाली घर ही घर हैं, लेकिन ये सही रास्ता है और वो मैप बता रहा है मेरे को, तो मैं चल के जा रहा हूँ। यहाँ पता नहीं घर भी हैं थोड़े, थोड़ा अलग सा ही माहौल है इधर। ये हैम का पता नहीं एकदम कुछ पूरा रेजिडेंशियल टाइप एरिया है, क्योंकि जहाँ से मैंने बस पकड़ा उधर से जो मेरे को शायद वापस आते समय 20 मिनट पहले निकलना पड़ेगा कि मैं टाइम पे पहुँच पाऊँ, वरना मुश्किल है। तो मुझे शायद 6:30 को उधर से निकलना पड़ेगा अगर मुझे बस वापस पकड़ना है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:53 एंड 5 बजे को मंदिर खुलेगा यहाँ पे, तो बढ़िया है। यहाँ देखिए मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ, यहाँ तो खाली थोड़े क्या बोलते हैं, सच में यहाँ मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मैं कुछ मंदिर के तरफ आ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा घर के। दिस प्लेस लुक्स वेरी ईजी, आई मीन खाली सन्नाटा है दोनों साइड में, यहाँ पे ऐसा ये है, लग ही नहीं रहा कोई भी एंगल से कि ये कोई मंदिर की तरफ ले जा रहा है करके। गूगल पे अपना पूरा भरोसा रख के मैं इधर आया हूँ। तो क्या हुआ था कि मैं तो चल के जा रहा था और मैं आ गया था अपने डेस्टिनेशन पे, वो था हैम का हमारा ट्रेन स्टेशन, तो हैम बान ऑफ पे मैं पहुँच गया था। तो उधर से उतर के मुझे लगा उधर से उतर के कि चलो क्या बोलते हैं बस वहीं पे आएंगे, क्योंकि वहीं सामने काफ़ी बसेस आ रहे थे, तो मुझे लगा चलो बस आ गए मेरी यहीं पे है घर के। बहुत हवा आ रही है, शायद आपको ऑडियो में दिक्कत हो सकती है, अगर दिक्कत हो तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर दूंगा इसके ऊपर। तो उधर मैं आगे गया, देखा काफ़ी सारे बसेस आ रहे थे वहाँ पे, सामने ही उनका बस का ये था, तो मैं बड़ा खुश, मैं बोला ठीक है बढ़िया बसेस तो है यहाँ पे करके। मैं वहाँ खड़ा था और वहाँ लिखा था 5 नंबर की बस। यार इनकी मेन प्रॉब्लम बताता हूँ मैं, इंग्लिश लिख सकते हैं ना कहीं एक और, क्योंकि जानते हैं लोग इंग्लिश वाला भी देखेंगे। तो वहाँ कुछ तो एक रेड कलर की पर्ची चिपकाई थी और मैंने देखा नहीं था, तो बाद में जब मैंने उसको स्कैन किया तो उसमें ये लिखा आया। अब मुझको नहीं पता था कि ऐसा लिखा है तो मतलब क्या है, और मैंने जाके वहाँ पे एक रेलवे एम्प्लॉई से पूछा मैंने कि यार बस इधर आएगा या नहीं। वो मेरे पे चिल्लाने लग गया, उसने बोला हमें नहीं पता, मतलब चिल्लाना इन द सेंस उसने ऐसे बोला कि हम तो ट्रेन वाले हैं हमसे क्यों पूछ रहे हो। एंड देन मुझे तो समझ नहीं आया, मुझे लगा हे राम मैं क्या करूँ करके। उसके बाद मुझे लगा अरे कहाँ आएगा, तो मैं वापस गया। तो फिर मैंने वहाँ एक लड़की थी तो मैंने उनसे पूछ लिया कि उनसे मैंने बोला कि यार कहाँ जाता है ये बस, आएगा या नहीं। उन्होंने बोला नहीं ये बस यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें सिटी में जाके अगला स्टॉप है वो पकड़ना पड़ेगा। अब मैंने जब चेक किया सिटी में अगला स्टॉप किधर है, तो वो था वहाँ से 350 मीटर्स दूर, और 3 मिनट था मेरे पास, तो काफ़ी रहता है 3 मिनट। पर गूगल मैप्स को देख के भाग के मैं पहुँचा एंड आई जस्ट रीच देयर, एंड वहाँ एक बस खड़ी थी, मैंने नहीं देखा, मुझे लगा अच्छा ये तो 4 नंबर की बस है, देखा उसके सामने एक और खड़ी है वो 5 नंबर, तो फिर वो आगे निकल गई। नाउ आई सॉ द नेक्स्ट थिंग, तो कोई तो सिनेगॉग था एक नेक्स्ट स्टॉप, और वो भी 350 मीटर्स दूर था उधर से, एंड ये बस ने जस्ट मेरे सामने टर्न ली थी वो सिनेगॉग की तरफ। आई प्रेड दैट भाई मैं भागूंगा, दैट इफ एनी ऑफ द मैं भागते रहूँगा, अगर कोई भी सिग्नल आया तो ये बस रुकेगा, तो आई विल गेट दैट एज अ टाइम टू यू नो गो। मैं भागा मस्त से, अच्छे से भागा और मैं पहुंचा उधर, मैं भाग के पहुंचा, एंड ये बस ने जस्ट मतलब दरवाजे बंद किए थे वापस निकलने के लिए, एंड आई रीच इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर। उसने मेरे को ऐसे लुक दिया गंदा वाला कि अरे कौन है ये टाइप, बट बेचारा उतना उसके बुरे ख्याल नहीं थे कुछ, उसको बस ये था कि अचानक से कौन अभी आया दरवाज़ा बंद करने के बाद। देन ही ओपन्ड इट फॉर मी और मैं अंदर चढ़ गया। अच्छा इधर लिखा है वे टू कृष्णा टेम्पल, बट मैं तो कृष्णा टेम्पल के लिए नहीं आया था, मतलब ये नहीं कि ये
बट जो टेम्पल मैं ढूंढ के आया था उसका नाम था कामाक्षी अम्बाल टेम्पल एंड दैट इज़ द गोपुरम। अभी तो यहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, मैं आपको दिखाता हूँ गोपुरम जब वापस दिखेगा। वो ऐसा संबड़ी इन सारी, मतलब काफ़ी इंडियंस की यहाँ तादाद है, देखते हैं। हाँ, इंटरनेशनल हिंदू समथिंग सेंट्रम करके लिखा है, तो शायद उन्होंने लिखा होगा कि दिस इज़ लाइक सम काइंड ऑफ हिंदूज का सेंटर टाइप। तो भाई चल के मैं पहुंच गया। ओ माय गॉड, देखो इधर, देयर इज़ द टेंपल। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो उधर से एंट्री है टेंपल का। सो देन आई गॉट इनटू द बस और मैं पहुंच गया। अगर मैं इसमें नहीं आता, नेक्स्ट बस वॉज एन आर आफ्टर दिस, तो आई हैड टू रन, बट मज़ा आया भागने में। तो नाउ लेट्स एंटर द टेंपल। मैं मास्क पहन लेता हूँ जल्दी। दिस इज़ द एंट्री, नाउ हाउ टू गो इनसाइड। इधर तक तो आ गया। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इधर लिखा है हिंदू टेम्पल। टेम्पल का स्पेलिंग थोड़ा शायद इनके में अलग होगा, बट ये रहा हिंदू टेम्पल। तो इधर मंदिर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो ये मंदिर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा यहाँ पे लिखा है, बोला है कि 1985 में हिंदू प्रीस्ट जो हैं अरुमुगम पासकारन करके हैम में आए थे, और उन्होंने एक छोटी सी जगह यहाँ पे लगाई थी लांगेस्ट्रासा में, और उधर से बड़ा हो के ये टेंपल बना है, और ये फर्स्ट हिंदू टेंपल है यहाँ का, और 1985 में चालू किया है। एंड 2020 इसमें नया कल्चरल सेंटर का भी यहाँ पे चालू हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ द टेम्पल स्टार्टेड हियर। ये यहाँ का मंदिर, ये यहाँ पे मंदिर है और बहुत प्यारा है। चलिए अभी मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ मंदिर के। Thank you.
तो अभी ख़त्म हो गया, हम लोग वापस जा रहा हूँ मैं। काफ़ी अच्छा था, पूजा वूजा हुआ था। मैं ज़्यादा विस्तार से वीडियो तो नहीं ले पाया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ये था, बट हाँ अभी ये सब हो गया एंड नाउ आई एम हेडिंग बैक। इधर से आई हैव टू वॉक एंड रीच द बस स्टॉप विच आई डोंट नो इट्स 12 मिनट्स, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू कैच अ ट्रेन। देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो लेट हो जाएगा, यहाँ खा लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स इट, ये था मंदिर एंड नाउ वी आर लीविंग एंड वी आर ऑफ। पास में देयर वॉज एक और कृष्णा का मंदिर भी है, बट मैंने उसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं और ना ही कुछ उसके बारे में देखा है अभी तक के लिए, तो उसके लिए मैं वो बाद में कभी आके चेक करूँगा। अभी के लिए बस ये मंदिर आया था, तो डन फॉर द, अच्छा वापस लाइट आ गया, डन फॉर द डे। इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा। घर से 10,000 किलोमीटर दूर आओ और पता लगा एक और मंदिर है, ये फीलिंग बहुत ही अच्छा है। आई नो लाइट कम हो गया है, तो आई विल मीट यू गाइज अगेन जब मैं बस पकड़ लेता हूँ। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा बस आएगा मेरे यहाँ पे। मुझे मालूम है काफ़ी लो लाइट होगा, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो बस स्टॉप है जहाँ आप उतरोगे। सॉरी, जाते समय थोड़ा जल्दी में आ गया था, बट दिस इज़ द बस स्टॉप जहाँ आप उतरोगे। एंड ये काफ़ी सुनसान बस स्टॉप है, इधर पे कुछ नहीं है पास में, विच विल पॉइंट दैट दिस साइड इज़ हिंदू टेम्पल और समथिंग। सो मेक श्योर यू हैव गूगल मैप्स। एंड ये है वापस मेरा बस स्टॉप ग्रेविंगहॉफस्ट्रासा, और इधर से मैं चढ़ के आई हैव टू गो टू बानहॉफ, सो द बस विल बी कमिंग नाउ। यहाँ तो बस एक या दो गाड़ियाँ जा रही है यहाँ वहाँ, वरना कुछ नहीं है। इधर बहुत खाली रास्ता है और सच में बहुत डर तो लग रहा है थोड़ा, क्योंकि मतलब बहुत डर लग रहा है थोड़ा, समझ रहे हो, क्योंकि कुछ नहीं है, बस आएगा यानी कुछ नहीं मालूम मेरे को। ये बस कैंसिल वैंसिल हुआ तो मेरे को 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा आज। 1853 हो चुका है अगर आपको दिख रहा है तो, अभी तो गाड़ियाँ ही आ रही हैं, अभी तो कुछ और ये आया नहीं है, और 4 मिनट में आएगा बस। बस अभी हिट शुड बी इन द नेक्स्ट प्लेस, तो उधर से 4 मिनट में आ जाएगा। एक्चुअली कहीं तो लिखा था कि क्रांसट्रासा हिंदू टेम्पल करके एक अगला स्टॉप है इसका, बट मैं देखा नहीं ठीक से, बिकॉज दिस वॉज बेटर। मेरे को लगा ग्रेविंगहॉफस्ट्रासा में उतरो 1 किलोमीटर चलने के लिए, बट इट्स नॉट फार, क्योंकि रास्ता एज आई टोल्ड यू इट्स वेरी क्या बोलते हैं, कुछ है ही नहीं रास्ते में, तो ऐसे चलते रहोगे तो दिख जाएगा मंदिर, और वो खुशी रहेगी ना कि मंदिर आ रहे हो इतने दिन बाद, तो उसी में आपको मतलब चलने को हो जाएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर बस। वहाँ से कुछ लाइट दिखा मेरे को, तो लग रहा है शायद हमारा बस आ जाना चाहिए, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। अगर किसी ने, कोई अगर बोल रहा है आपको अरे आ जाओ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, नहीं भाई, बस सर्विस बहुत रिलायबल है यहाँ पे, काफ़ी टाइम पे आ जाती है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और 2 मिनट में मेरा बस आना चाहिए, 1-2 मिनट में आ जाएगा, बस उस पर भरोसा करो। कोई लिफ्ट देगा, किसी को मैं जानता हूँ मेरे से मंदिर में मिला था मैं जाऊँगा, ना कोई पंगा ना लेना। मंदिर में साक्षात भगवान भी परम अपने स्वरूप में आ गए, बोलो भगवान मैं बस ले लूँगा, आप मेरे साथ बस में आ जाओ, मेरे टिकट पे एक बार आदमी फ्री आ सकता है, बढ़िया वैसे बोल दो। देखो बस आ गई, यस। ये थी वो बस जिसमें मैं चढ़ के आया, बस ये है इनका बानहॉफ, और ये साइड में ऐसे सजा वजा के रखा है पूरा, और ये इनका बानहॉफ है। वो भी वापस जा रहे हैं, अलग अलग पैसे डाल के ये बढ़िया। बट यहाँ सर इनके इधर भी वॉशिंग मशीन बोल रहा हूँ। हाँ तो ये यहीं से मैं उतरा था शायद, उतर के आया था, अभी वापस जा रहा हूँ। हाँ, प्लेटफॉर्म 4 में है मेरा ट्रेन आएगा,
पहले चढ़ के जाता हूँ प्लेटफॉर्म 4 पे, और 10-15 मिनट में हमारी ट्रेन भी आ जाएगी, तो वेट कर रहा हूँ। 20 मिनट है, देख 15 मिनट है हमारे ट्रेन के आने के लिए। चलो ट्रेन बन गई, अभी यहाँ से मॉन्स्टर तक का सफ़र है। मुझे पता नहीं ये एक ही ट्रेन जाती है, बीच में ट्रेन का कुछ कटता भी है क्या वो मेरे को नहीं मालूम, बट देखते हैं। बस ट्रेन में चढ़ गए, टाइमिंग बेटा, टाइमिंग मतलब ये 1959 को आना था, 58 को आ गया ट्रेन, बढ़िया है। ट्रेन तो शायद ज़्यादा दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ लोग काफ़ी हैं, बट बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं, बाहर का दृश्य बड़ा प्यारा है। चलिए तो मैं फिर आप लोगों से मॉन्स्टर में उतरते हैं। में उतर गए और अभी जा रहे हैं बाहर। यही था हमारा ट्रिप, तो चलो ट्रिप की समाप्ति, मैं आपको मिलता हूँ बस चढ़ के। हे गाइस, तो ट्रिप खत्म हो गया एंड आई एम बैक होम। बहुत अच्छा था ये मंदिर वाला ट्रिप। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस, आई एम श्योर दैट आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोस सून, सो यू कैन सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ज़रूर। एंड यप, दैट्स इट। एंड इफ एनीवन इज इन जर्मनी, योर फ्रेंड्स और समवन, एंड यू वांट टू टेल देम अबाउट द टेंपल, यू कैन शेयर द वीडियो। एंड इफ सम अदर डिटेल्स, अगर इफ यू तुम्हें कुछ चाहिए उसके कैसे जाना है और वॉट एवर, और उनका फ़ोन नंबर और समथिंग, यू कैन जस्ट आस्क मी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।